इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ऑन मार्स। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला मिड जर्नी से तो मुझे ये आउटपुट मिला। आप देख सकते हो फेस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली राकेश शर्मा की तरह दिखता है। जिन्हें नहीं पता, राकेश शर्मा इंडियन सिटीजन फर्स्ट एंड ओनली पर्सन टू गो टू स्पेस है। पर आप इसमें एक थीम देख सकते हो, ये काफी मतलब अमेरिकन फ्लैग्स वगैरह दिख रहे राइट इसमें। तो मैंने एक्सप्लिसिटली मांगा कि मेरे को शोल्डर के ऊपर इंडियन फ्लैग चाहिए, तो मुझे फिर से अमेरिकन फ्लैग्स मिले। मैंने फिर कहा कि मुझे स्पेसएक्स सूट में चाहिए, स्पेसएक्स सूट में जनरेट तो किया पर अगेन अमेरिकन फ्लैग ऑन शोल्डर। ये एक थीम है और हम ऐसे और 11 प्रॉम्प्ट्स करेंगे इंडियन साइन कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए, जस्ट और जस्ट एज अ फन वीडियो कि कैसे आता है आर्ट। तो चले जानते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था कोलार गोल्ड फील्ड्स के ऊपर, जहाँ पे एक न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट होता, काफी कूल वीडियो है। तो मैंने सोचा ये विजुलाइज करते कैसे होगा, तो मैंने प्रॉम्प्ट किया इंडियन साइंटिस्ट इन कोलार गोल्ड फील्ड्स सेटिंग अप देयर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स रियलिस्टिक। तो उसने कुछ ऐसा दिखाया। अभी इस केस में उसने एनवायरमेंट मतलब काफी नेल किया है राइट। और जब मैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स की बात करता हूँ वो ऐसे नहीं दिखते, वो कुछ और ही है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट है। तो फिर सोचा वो निकाल दू, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स निकाल देता हूँ प्रॉम्प्ट से। तो उससे कुछ ऐसे आया जो मेरे को काफी कूल लगा, क्योंकि वो जो केव थीम है और जो माइंस का थीम है उसने काफी अच्छा रेप्लिकेट किया है। ऑल्दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे नहीं दिखते, वो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस है, बट ठीक है, ये अच्छा है। थर्ड सोचा थोड़ा जो पेन है उसे करे, अगर हाइपोथेटिकली चंद्रयान 2 लैंड होता तो कैसे दिखता। तो मैंने डाला इंडियाज इसरोस चंद्रयान 2 लैंडर सेफली लैंडेड ऑन द मून विद रैंप डिप्लॉयड फॉर रोवर। तो उसने कुछ ऐसे किया। अब इन इमेजेस में आपने देखा है एक बहुत अमेरिकन, एक बहुत नासा वाली फील है। अभी हो सकता है क्योंकि नासा के इतने लाखों इमेजेस पब्लिक डोमेन में फ्री पड़े हैं जिसपे कॉपीराइट नहीं, जो आप कुछ भी कर सकते हो। इस केस में बायसिंग होगा थोड़ा, आगे देखते हैं। फोर्थ मैंने सोचा, जो अपने काफी एक ओल्ड साइंटिस्ट है सुश्रुत्रा, मतलब ये सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये जनरली वाइडली एक्सेप्टेड है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी की थी 600 BC में। तो इनका जब जनरेट किया तो कुछ ऐसे आया जो काफी कूल है, बट मुझे नहीं पता उस टाइम कैटरेक्ट सर्जरी काफी कैसे दिखती थी, बट एस्थेटिक वाइज काफी अच्छा लगा मेरे को, पोस्टर बनने लायक है ये। अब ओल्ड साइंटिस्ट पे थे तो मैंने डाला आर्यभट्टा रिसर्चिंग इन एंशंट इंडिया। अब ये इमेज देख के आपको ऐसे नहीं लग रहा कि किसी इंडियन जैसे दिखने वाले पर्सन को उन्होंने एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भर दिया, वेस्टर्न लैब में डाल दिया, जैसे एकदम वैसा फील आ रहा है ना। मतलब ठीक है, देखो इस केस में मेरी भी गलती हो सकती है, क्योंकि प्रॉम्प्ट आपका जितना डिटेल्ड होगा उतना ज्यादा बेटर इमेज आएगा। तो इसलिए ये प्रॉम्प्ट मतलब ये मिड जर्नी का परफॉर्मेंस नहीं जज कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने रिसेंटली चैट जीपीटी वीडियो में बहुत हार्ड गया था चैट जीपीटी के ऊपर, उस केस में टेक्स्ट में थोड़ा फाइन भी है, आर्ट में थोड़ा आई थिंक इधर उधर चलता है राइट। फॉर एग्जांपल मैंने ट्विटर पे डाला था कि ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों @GaribSanjay आपको फॉलो करना है, तो कि मेरे को प्रॉम्प्ट्स दो ठीक है। तो उसमें मैंने खुद प्रॉम्प्ट बना के डाला था कि इसरोस GSLV Mark III ऑन पैड। आप यहाँ पे देख सकते हो वो पैड का एस्थेटिक और वो पैड का सिग्नेचर लुक उसने काइंड ऑफ रेप्लिकेट कर लिया है। पर ये जो रॉकेट है ये मतलब अगेन नासा वाला रॉकेट ऐसा लग रहा है। एनीवेज मेरे को इंस्टाग्राम से काफी अच्छा रिकमेंडेशन मिला धारमनी इंस्टा से कि एस्ट्रोनॉट सूट विद डिजाइन एलिमेंट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ये पढ़ती मैं काफी इंटरेस्टेड था जानने के लिए कैसा क्या होगा इसका, पर जब जनरेट किया तो कुछ ऐसे निकला, उसने एक एस्ट्रोनॉट सूट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर दी ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ। तो हाँ आई मीन ठीक है राइट। उसी बहाने पे हम एंशिएंट एशियड की बात ही कर रहे थे, तो देखो जब स्पेसएक्स अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाता है पैड पे और टेस्लास में लेके जाता है, तो मेरा ये था कि जब इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाए गगनयान में तो उन्हें ऐसे कोई ओल्ड एम्बेसिडर ले इसरो और उसे एकदम हाईटेक और ऐसा LED स्ट्रिप्स वगैरह लगा के एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप बनाए। तो मैंने यही प्रॉम्प्ट किया। अब वो कुछ ऐसे आया, ये तो मेरे माइंड में है नहीं, बट आई मीन ठीक है देखते हैं। मेरे डिस्कॉर्ड में जो आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप लेके, सिड ने एक सजेस्ट किया कि विक्रम साराभाई एडमायरिंग C20, बट मैंने जस्ट इसरो रॉकेट डाला। उसका पॉइंट था कि ओल्ड इसरो साइंटिस्ट आज के रॉकेट देख के मतलब कैसा होगा, बट अगेन अमेरिकनाइजेशन ऑफ द इमेज, यहाँ एकदम नासा वाला थीम एंड ऑल दैट, ये विक्रम साराभाई की तरह दिखता भी नहीं है। मैंने सोचा कॉन्टेक्स्ट निकालते कि एक इसरो साइंटिस्ट के साथ डालते हैं, तो मैंने कहा विक्रम साराभाई विद इसरो चेयरमैन केस इवन रियलिस्टिक, तो जो प्रीवियस चेयरमैन थे उनके साथ, तो कुछ ऐसे आया, दोनों वैसे नहीं दिखते। आप कहोगे के सीवन को ये थोड़ी जानता होगा उतना डिटेन, एक्चुअली जानता है, मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है मैं आगे दिखाऊंगा आपको जिसमें काफी अच्छा काम किया उसने। एनीवेज ट्विटर से संध्या रमेश जी का ये प्रॉम्प्ट आया। संध्या रमेश जी जिन्हें नहीं पता वो प्रिंट की साइंस और यूट्यूब चैनल्स पे कंटेंट बनाती है, काफी कूल वर्क, जरूर फॉलो करो उन्हें। इनका प्रॉम्प्ट काफी डिटेल्ड था, जनरली अबाउट
मतलब मार्स जो इंडिया का मॉम है और नासा का मेवन फ्लाइंग टुगेदर और एकदम डिटेल्ड प्रॉम्प्ट था। मुझे लगा ये काम करेगा, बट उसने कुछ ऐसा जनरेट किया जिसमें बहुत स्टॉक इमेज वाली फील है ना, लाइक ये जो फैक्ट्स वाले चैनल्स होते हैं वो एकदम ऐसा स्लाइड शो की तरह इमेजेस चलाते रहते हैं, वो ऐसा कुछ इस्तेमाल करते अपने थंबनेल्स और वीडियोस में। तो पता नहीं, आई मीन मेवन के ऊपर तो इतने सारे इमेजेस वगैरह है ऑलरेडी। उसके बाद विचित्र मनुष्य इंस्टाग्राम पे, उनका एक काफी इंट्रिकेट प्रॉम्प्ट बेसिकली अराउंड इंडियन कॉलोनी इन मार्स इन अ लावा ट्यूब वगैरह। अब उसने कुछ ऐसा जनरेट किया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा आर्ट वाइज और ये फोटो वाइज, ये मतलब पोस्टर बनने लायक है। तो आई मीन ये प्रॉम्प्ट से क्लोज है आर द इंडियंस हियर एंड ऑल, नॉट श्योर, बट अच्छा है इमेज। किरण शेट्टी 07 ने सजेस्ट किया जनरेट अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ GSLV Mark III सेकेंड स्टेज सेपरेटिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज विद अर्थ कर्व। ये आपको पढ़ के ही माइंड में इमेज आ जाता है कि GSLV Mark III उड़ रहा है, पीछे सेपरेट हो रहा है, पीछे अर्थ है। उसने ये चार इमेजेस जनरेट किए जिसमें से जो बॉटम लेफ्ट है वो क्लोजेस्ट है हमारे कॉन्सेप्ट से, बट रॉकेट नहीं है वो, ये रॉकेट कुछ अलग ही है। पर उसके ऊपर आप देखो तो वो लॉन्च पैड भी सेम है और रॉकेट ऑलमोस्ट क्लोज है GSLV Mark III से। तो इंटरेस्टिंग, अभी अगर हम 12th वाले पे आए तो आपको पता ही होगा इंडिया के पास एक रेडियो टेलीस्कोप अरे है जिसका नाम है GMRT यानी जॉइंट मिडवे रेडियो टेलीस्कोप। तो मैंने सोचा इट बीमिंग अ एलियन स्पेसक्राफ्ट काइंड ऑफ, काफी कूल होगा ना। तो कुछ ऐसे आया विच इज नॉट क्लोज क्योंकि GMRT एक ट्रस्ट बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है, इसमें वो कवर्ड वगैरह शेल्स वगैरह है, तो इमेज वाइज अच्छा है बट नॉट क्लोज टू रियलिटी। और जो मैंने K7 का प्रॉमिस किया था बोनस, तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला इसरो K7 चेयरमैन हैप्पी वॉचिंग अ रॉकेट लॉन्च इन बैकग्राउंड रियलिस्टिक, तो उसने कुछ ऐसा जनरेट किया। अब अगर आप K7 सर को देख चुके हो तो आपको बताइए बहुत क्लोज है। तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, ओवरऑल काफी अच्छा लगा। जो वंडर कर रहे हैं ये फ्री नहीं है मिड जर्नी, ये पेड है, मैंने एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया $30 देके, कैंसिल करना अभी। तो यही था। स्पेशल थैंक्स टू शिखर मनोहरन कार्तिक देवाल वुटला चैतन्य जयंत शर्मा रोहित सुवर्णा नारायण प्रसाद प्रदीप मोहनदास तन्मय देशपांडे निशन कुमार विशाल भारत पल्लव रानेडे हाइड्रेटिंग कृपल पटेल निशाल प्रजापति शौनक पेरनी निसर्ग मानकड़ विवेक सिंह संजत कावड़े कृष्णा स्पार्क 164 एक एनोनिमस और ETBM।